जिला किन्नौर जो कि नकदी फसल सेब पर निर्भर है, प्रदेश व केंद्र की सरकार को बागवानों को उचित मूल्य देने का करना चाहिए प्रावधान। वर्तमान सरकार किसानों की विरोधी है, जबकि किसान को सेब की फसल का मूल्य भी ना के बराबर है। हिमाचल सहित किन्नौर जिला के बागवानों को उचित मूल्य देने का प्रावधान करना चाहिए, किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कही। जिला किन्नौर जो कि नकदी फसल सेब पर निर्भर है, परंतु जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से जहां एक ओर बागवानों को उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सेब की पैकिंग भी काफी महंगी हो गई है। यह बात रिकांगपियो में किन्नौर विधायक जगत सिंह नेगी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज चारों तरफ महंगाई का बोलबाला है, जिससे गरीब जनता दब रही है, तथा जब से भाजपा सरकार आई है, तब से सेब के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे बागवान परेशान है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पहले अदानी गांव गांव जाकर सेब लिया करते थे, परंतु अब अदानी कंपनी बिथल से ऊपर नहीं आ रहे हैं और ना ही किसानों को अपने सेब का उचित दाम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की विरोधी है, जबकि किसानों को सेब का मूल्य भी ना के बराबर है। डीजल आपका जो है 100 के पार हो गया है, आप ट्रकों का भाड़ा महंगा हो गया है, सेब को मंडियों में पहुंचाना महंगा हो गया है। अब आप सेब को बड़े मुश्किल से मंडियों तक पहुंचाते हैं, वहां पर रेट नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? अदानी जिम्मेवार है। अदानी पहले हमारे किन्नौर में गाँव गाँव में आके सेब ले आता था, अब जो है अदानी जो है अब बिथल से उरेंडी आता है, अब कहता है कि आप बिथल तक सेब पहुँचाओ। सेब वहाँ पर पहुँचाने के बाद वो कहता है 80 से 100% कलर होगा, उसका रेट इस बार बहुत कम कर दिया। फिर जो है 60 से 80% है, उसका और कम कर दिया, और जो उससे नीचे है वो तो बूस के भाव में लेने के लिए वो तैयार बैठा होगा। तो आज की तारीख में ये जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। आज हमारे किसान 8 महीने से ज़्यादा दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हुए, वो किस लिए बैठे हुए? समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। सेब का समर्थन मूल्य वैसे भी नहीं है, यहाँ पर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, MIS है, उसमें मामूली जो है 9 रुपये किलो का रखा गया है, और वो भी किन्नौर में जो है 4 पांच सेंटर है, वो सेंटर भी जो है कभी खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं, लोग जो अपना सेब जो है ये उसमें भी नहीं बेच पा रहे। तो वर्तमान की BJP सरकार, अभी माने मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि सेब का जो है जो दाम है मार्केट में स्थिर है, कहाँ स्थिर है? अभी जब कुछ हफ्ते पहले जो रेट था वो उससे आधे से भी कम हो गया। अगर ऐसा रहेगा तो बागवानी भविष्य में जो है वो भी एक किस्म से आम आदमी के लिए कोई जो है लुभाने वाला कोई प्रोफेशन नहीं बनने वाला है। इस पे वर्तमान की सरकार को चिंता करना चाहिए। और जयराम जी जो राम राज्य की बात करते हैं, BJP वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बैठे हैं दिल्ली के अंदर, तुरंत इसका संज्ञान लें और हिमाचल के बागवानों को और खासकर जनजातीय क्षेत्र के बागवानों को उचित मूल्य सेब का दिलाएं, यही हम जो है सरकार से मांग करते हैं। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।